पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों चाउमीन खा लो। आज की वीडियो में जो है हम आपको चाउमीन बनाना बताएंगे कि चाउमीन किस तरह से बनाई जाती है, और वीडियो में आप पूरे बने रहिएगा दोस्तों, और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। आज बहुत ही टेस्टी चाउमीन हम जो है बनाने वाले हैं, और देखते रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है अंजुला और मैं अपने YouTube चैनल में सफ़र में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जो है ब्लॉग में मैं आपके साथ जो है चाउमीन बनाने की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, और अभी मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ प्लेन नूडल्स। प्लेन नूडल्स जो है मैं आपके लिए ला रखी हूँ, टेस्टी चाउमीन पास्ता। इसको जो है हमें पहले जो है बॉयल करना होता है, उसके बाद जो है आगे का प्रोसीजर होता है। 80 रुपये का एक पैकेट है, चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई को जो है गैस पे रख देंगे हम, और गैस की फ्लेम जो है हमें ऑन कर देनी है। और ये सबसे पहला स्टेप है, इसमें जो है हमें पानी डाल देना है, जितने भी पानी आपको सही लगे। मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा और डाल दूँगी। और इसके बाद जो है हम जो है ये हमारी जो नूडल्स है चाउमीन, इसको हमें जो है डालना है। उससे पहले एक स्टेप ये है कि हमें इसमें पानी में ऑयल डाल देना है थोड़ा सा, ताकि जो है चाउमीन जब बॉयल हो वो एक साथ जो है चिपके ना, ऑयल से जो है चाउमीन चिपकती नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल आप पानी में डाल दीजिए, और चाउमीन निकाल देते हैं। और फिर हम जो है पानी तब तक गर्म होता है तब तक हम अपनी चाउमीन को जो है पैकेट से निकाल देते हैं। दोस्तों थोड़ी सी ही चाउमीन हम बनाएंगे, आप देख सकते हैं, थोड़ा और निकाल देती हूँ मैं इसमें से। ये मैं पैकेट इसलिए नहीं खोल रही हूँ दोस्तों, फिर जो है इधर उधर गिर जाता है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा ही पैकेट खोल रखा है मैंने। और इस तरह से ये चाउमीन जो है बहुत बड़ी हो रही है, देख सकते हैं आप। ये जो है कढ़ाई में नहीं आ पाएगी इतनी लंबी चाउमीन, तो इसको जो है मैं बीच से जो है इस तरह से तोड़ दूंगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा इसे चला लेंगे, और फिर जो है इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। दोस्तों आप मेरी कढ़ाई पर मत जाइए, क्योंकि ये जो है हमारे चूल्हे की कढ़ाई जो है, इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। दोस्तों आप मेरी कढ़ाई पर मत जाइए, क्योंकि ये जो है हमारे चूल्हे की कढ़ाई है, इसलिए इसमें जो है ब्लैक ब्लैक हो गया है। और थोड़ा सा चलाने के बाद जो है इसमें हम ढक्कन रख देंगे, और दस मिनट तक इसे जो है हमें इसी तरह से गर्म होने देना है, उबलना मतलब अच्छे तरह से पकने देना है। उसके बाद जो है हम निकालेंगे और इसमें ढक्कन रख देते हैं दोस्तों, और 5 मिनट बाद आपको दिखाऊं। तब तक जो है हमारी चाउमीन बॉयल हो रही है, तब तक हम इसके लिए जो है ये चाउमीन के लिए प्याज वगैरह काट देते हैं। यहाँ मैंने एक प्याज ले लिया है, और एक शिमला मिर्च, और जो है बंद गोभी ले ली है मैंने थोड़ी सी। अभी मैं फटाफट से इसके लिए जो है प्याज काट देती हूँ, और ये हमारी शिमला मिर्च। यहाँ पे जो देख सकते हैं दोस्तों, हमारी वेजिटेबल कट हो गई है, बारीक बारीक हमने जो है इसे वेजिटेबल को काट दिया है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, हमारी चाउमीन भी जो है अच्छे से बॉयल हो गई है दोस्तों। बस हमें इसी तरह से इसे बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, क्योंकि फिर वो अजीब सी हो जाएगी ना दोस्तों। बस ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से हमें इसका पकाना है, और फ्लेम को ऑफ़ कर देना है गैस की। और अब आगे का स्टेप मैं आपको बताऊँगी।
आगे के स्टेप के लिए पहले जो है हम इस चाउमीन को जो है एक बर्तन में निकालने के बाद जो है दोस्तों हम इसे, अगर आपके पास कोई जैसे वेजिटेबल वगैरह धोने का जो एक जाली वाली वो आती है ना परात सी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं साथ साथ में जो है दोस्तों मैं लंच के लिए जो है ये चने भिगा रखे थे रात के, तो इसकी दाल मैं बनाऊंगी। इसमें जो है मैं थोड़े से आलू डालूंगी और आलू छोला बनाऊंगी मैं दिन के लिए लंच के लिए, और साथ साथ में हमारी दाल भी पक। लंच के लिए जो है ये चने भिगा रखे थे रात के, तो इसकी दाल मैं बनाऊंगी। इसमें जो है मैं थोड़े से आलू डालूंगी और आलू छोला बनाऊंगी मैं दिन के लिए लंच के लिए, और साथ साथ में हमारी दाल भी पकती रहेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो आटे छानने वाली छननी आती है ना, तो मैंने इसमें ही जो है चाउमीन को डाल दिया है, और हमें जो है इसे ठंडे ठंडे पानी से धोना है क्योंकि ज़्यादा ये जो है पके ना चाउमीन गरम गरम से, तो गरम गरम जो पानी होगा वो उससे जो है ओवर कुक होने से जो है बच जाएगी हमारी चाउमीन ठंडे पानी से धोने में। और थोड़ी देर इसे फिर ऐसे ही रखना है हमें, और इसमें सबसे पहला जो है हमें जैसे ही हम इसे धो लेते हैं वैसे इसमें जो है ऑयल लगा देना है ताकि आपस में चिपके ना चाउमीन, और फिर थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है इसे 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद जो है हमें इसकी बनाने की तैयारी के लिए यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है और इधर हमारी चाउमीन भी अच्छे तरह से सूख गई है, और अब जो है हम ऑयल में जो है अपने जो भी आपके पास अच्छा लगता हो मसाले वगैरह जो भी डालना हो आपने वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है और जो वेजिटेबल हमने कट करके रखी थी वो भी सारी वेजिटेबल मैंने डाल दी है। अब इसे हमें जो है थोड़ा बहुत सॉटे करना है, हमें ओवर कुक नहीं करना है इसे, सब्जी की तरह हमें इसे नहीं पकाना है, बस हल्का सा जो है कच्चापन दूर होना चाहिए इस वेजिटेबल का। और इसके बाद जो है थोड़ा सा ये पक गई है 2-4 मिनट में, और यहाँ पे मेरे पास 2 सॉस है, एक सोया सॉस और एक चिली सॉस, ये भी ख़त्म हो गया दोस्तों तो नहीं हम डाल देंगे। देख सकते हैं आप ये चिली सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ, इसे हम मिक्स कर देंगे। अब जो है इसमें आती है ये जो आप देख रहे हैं ये है अजनोमोटो, अजनोमोटो हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, और अब इसमें जो है हम डालेंगे चाउमीन। चाउमीन डालने के बाद जो है इसमें हम जो है अपने स्वाद अनुसार नमक वगैरह जो भी हमारे पास है, पहले हम सोया सॉस इसमें डाल देते हैं। ये देखिए आप 2 ढक्कन सोया सॉस मैंने डाल दिया है इसमें, और अब हम डालेंगे ये देख रहे हैं नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ी सी मिर्च भी डाल देंगे, आप को जितना भी अच्छा लगता हो मिर्च अपने हिसाब से डालें, आप आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च डालिए, मैंने यहाँ हल्की सी मिर्च डाली है, और अच्छा लगता हो मिर्च अपने हिसाब से डालें, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च डालिए, मैंने यहाँ हल्की सी मिर्च डाली है, और ये जो कांटे वाली फोग आती है ना उससे मैं मिक्स कर रही हूँ चाउमीन को। ये देखिए दोस्तों अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो है हमें इसे 4-5 मिनट बस गैस ऑन करके फ्लेम फुल करनी है हमें इसे अच्छे तरह से, जब तक मिक्स होता है तब तक। अब उसके बाद जो है हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है गैस की, और अब हम जो है फ्लेम ऑफ कर देते हैं दोस्तों। ये अच्छी तरह से पक चुकी है, अब आपको ट्राई करके बताएंगे दोस्तों। ये देखिए फाइनली मेरी चाउमीन इस तरह से बन के रेडी हो गई है, अब इसे ट्राई करने का जो टाइम है वो आ गया है, ट्राई करके देखते हैं ये किस तरह से बनी हो और इसका टेस्ट कैसे हो रहा है दोस्तों। जो चाउमीन बनी है ना दोस्तों वो बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरह से मैंने बनाया उसी तरह से आप भी बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मैं तो अकेली हूँ तो कैसे हो रहा है, हैंड उसे करो।
मैं खुदा को देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत भी है चांदी सा काबिल, मेरे दिल का सोना बिखरा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। आई होप आपको हमारी ये वाली चौमिन वाली जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।